वो तो मैं समझ रही हूँ कि आप मीडिया से हैं। आप अंदर आ जाओ, आप यहाँ से। नहीं, आप यहीं पे खड़ी हो। नहीं नहीं, मैं यहीं खड़ी रहूंगी। अंदर आपको पैसे देने या घूस देने नहीं जा रही। जिसे लिखा हुआ लैंडरी इन दे 5 रुपए, इथे लैंडरी इन दे ही नहीं बल्कि बाथरूम दे 5 रुपए ले जांदे ने। ते लैंडरी के यहां पे 5 रुपए लिखा हुआ है। हां जी। तो 10 रुपए किस बात के? अब ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट ठेका हो गया। तो यहां पे लिख के क्यों रखा है? ठेका किसके पास है? ठेका किसके पास है ये मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ सिटिंग जॉब मिली है। सुनो सर, माइंड योर लैंग्वेज, ओके? किसको कहता? ललित मोदी का जाके निकालो। ज्यादा आवाज ऊंची मत करो, मैं भी दैनिक जागरण में काम कर चुकी हूँ। नॉट सैलरी, मेरे हस्बैंड और बेटे की डेथ हो चुकी है। आई एम ग्रेजुएशन 65 ईयर्स ओल्ड। मैं वाशरूम गया, कल 5 रुपए दी नहीं, 10 ले लो भावे, कोई चक्कर नहीं। पर तुहाडे कोल राइट किथे लिखिया कि दसो कि बाथरूम दे 5 रुपए कौन लैंदा? किथे 5 रुपए लिखिया ही नहीं। सरकार तो हम किसे आके देखे? सरकार हम बाथरूम थोड़ी देख सकती है भी हाँ इतने बंदा बैठा नहीं बैठा। ये जड़े तो ऊपर अफसर वगैरह है उन्होंने चाहिए ना मैडम मोटा चेक करना आके। नहीं मानते अस ना दे फिर लड़ाइया करते हैं। लड़ते भी नहीं हाँ, लड़ते भी नहीं, लड़ते और 10 रुपए वॉशरूम दे। हाँ कह रहे वॉशरूम फिर हूँ मैं की कर सकती दसो, मेरी ड्यूटी तो इधर है नहीं ना, मेरी ड्यूटी तो इधर है नहीं ना। स्वागत है सारे दर्शकों का, तुसी देख रहे हो पोल खोल टीवी। मैं रणदीप कौर अज लुधियाणा के बस स्टैंड से खड़े हाँ जिथे मान सरकार द्वारा वड्डे वड्डे दावे किए गए सी लोगों के लिए। उत्थे जो दावे ने इत्थे बस स्टैंड से आके फेल होंदे दिखाई देंदे ने। हुण इत्थे कमी की दी है जरा सरकारां दा ध्यान नहीं जा रहा, कारण की आ? इत्थे जो लोगों की जो मेहनत की कमाई है उन्होंने किमें चूना लाया जा रहा थोड़ा दिखाने जा रहे। इतने जो टॉयलेट ने लुधियाने के जिसे लिखा हुआ लैंडरी इन दे 5 रुपए, इतने लैंडरी इन दे ही नहीं बल्कि बाथरूम के 5 रुपए ले जाते हैं। जो इतने गल करते जल कोई नहीं दिता पैसे नहीं दिता तो उन्होंने वालों। हाँ जी कौन आप क्या कर रहे हो? वो तो मैं समझ रही हूँ कि आप मीडिया से। हाँ जी। आप अंदर आ जाओ, आप भी अफसर। नहीं, आप यहीं पे खड़ी हो। नहीं नहीं, मैं यहीं खड़ी रहूँगी। अंदर आपको पैसे देने या घूस देने नहीं जा रही हूँ, सच्चाई बताने। सच्चाई बता दो, यहीं पे बता दो, वहाँ पे कौन ज्यादा हो जाएगी, यहीं पे बता दो। नहीं, ये भी जाएंगे कैमरा लेके। जब आप हमारी फोटो खींचते हैं तो हमारा पक्ष भी रखने का आपको रखना होगा। आप भी अपना बोल लो। मैं बोल रही है आप किस बात पर इतना रिकमेंड कर रही है? लैंडलाइन के यहाँ पे 5 रुपए लिखा हुआ है। हाँ जी। तो 10 रुपए किस बात के? 10 रुपए किस बात के? अब ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट ठेका हो गया। तो यहाँ पे लिख के क्यों रखा है? जो प्राइवेट है जिन्होंने ठेका दिया है या जिन्होंने लिया है ये उनका अधिकार है। ठेका किसके पास है? ठेका किसके पास है ये मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ सिटिंग जॉब मिली है। आपको जॉब मिली है? जॉब किसने दी? जॉब मुझे को नॉट सैलरी, हमें ठेका देना पड़ता है। किसने जॉब आपको? जॉब यहाँ जो ठेकेदार है जो हेड है उन्होंने दी है। ठेकेदार का कुछ नाम? आई एम सुनिए, नाम तो पता होगा आपको ठेकेदार का? और जाके मम्मी ने बुला। ठेकेदार का नाम तो पता होगा आपको? मैंने बुलवा रही हूँ ना उनको। आप अपनी बात बोलते हो, लोगों की बात सुन के बोलते हो। मैं तो आपकी भी सुन रही हूँ, मैं तो कुछ बोल नहीं, मैं तो बोल रही हूँ। आप लोग भी आ सकते हो, मैं किसी को रोक नहीं रही हूँ। जो लेडीज बाथरूम में गंदगी रहती है वो आप देखो, फोटो उसकी भी खींच के भेजो। नहीं, लैंडरिंग के मानते 10 रुपए ठीक है, टॉयलेट के भी 10 रुपए। टॉयलेट के इसलिए कि वहाँ जब पैड चेंज करती है ब्लड है ब्लड हो जाता है, औरतें बच्चे को डायपर वहाँ फेंक के चली जाती है। ये बताओ भी लेडीज के पास जेंट्स के वहाँ बाथरूम के 5 रुपए लग सकते हैं? 5 रुपए क्यों लेते हो जबकि फ्री किया हुआ सरकार ने? आप जेंट्स के 10 रुपए खाली लैट्रिन के लेते हैं, बाथरूम के 5 रुपए लड़की से मांगे हैं, किस राइट से मांगे हैं, मुझे ये बताओ पहले आप। वहाँ जब गंदगी होती है सर उसकी सफाई के मांगते हैं, उसमें पैसे हमारे ना, उसका बताओ आपका ठेकेदार का नंबर। ठेकेदार को बुलाओ यहाँ, वो आ रही है, उनसे आप बात कर लो, उनसे आ रही है, वो आपको डिक्लेयर बता दे। सब लोग यहाँ पर फोन करके बताते हैं 5-5 रुपए लेते हो, कितनी बार खबर लग चुकी है आपकी, फिर भी आपकी 5 रुपए लगे। सुनो सर, माइंड योर लैंग्वेज, ओके? किसको कहता? ललित मोदी का जाके निकालो। 5 रुपए की विजय मालिया का निकालो। क्यों लेते हो? मुझे ये बताओ 5 रुपए क्यों? ज्यादा आवाज ऊंची मत कर, मैं भी दैनिक जागरण में काम कर चुकी हूँ। बेशक दैनिक जागरण, अगर दैनिक जागरण में काम करते हो तो फिर आप रिश्वत लोगे। मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि आप चल के अंदर जाओ, लोगों की सेवा कर दोगे आप? सेवा का सेवा या जो उनके लैट्रिन बाथरूम हम धोते हैं, लेडीज की बात नहीं करते। आप पैसे लेते हैं, सैलरी पे काम करते हो? नहीं, नॉट सैलरी।
नॉट सैलरी, मेरे हस्बैंड और बेटे की डेथ हो चुकी है, आई एम ग्रेजुएशन 65 इयर्स ओल्ड, ओके, इस उम्र में मुझे जॉब नहीं मिल सकती है। आपके पास राइट है 5 रुपए लेने का, मुझे ये बता दो। आपके पास में इस ढंग से बात करने का क्या पावर है ये बता दो। मैं कर सकता हूँ, लोगों की लूट होती है, लोगों की जेबों को सुनो सर, जहाँ ATM लूटा जाता है, जहाँ चिट्टा बेचा जाता है, जहाँ प्रोटी जाते हैं, सुनो, जहाँ प्रोस्टिट्यूशन का धंधा, सुनो मेरी बात सुनो खुल के, जहाँ प्रोस्टिट्यूशन का धंधा होता है वहाँ क्यों नहीं डेट मारते हो, इसी बस अड्डे पर बहुत कुछ देखते हो, छोड़ो छोड़ो नोट दे के मुंह को। मैंने सिर्फ ये पूछा कि आपको लगता है एक गल बढ़िया वा सही आ, जो एक बस स्टैंड बिल्कुल नाल उन्हें गया बाहर कोई बोर्ड नहीं लगे और मैं वाशरूम गया कल 5 रुपए दी नहीं 10 ले लो भावें कोई चक्कर नहीं, पर तुहाडे कोल राइट किथे आ लिखिया किथे दसोगे ना, फिर 5 रुपए टुटे है नहीं गए, साडी जिम्मेवारी हम टुटे दे तुहानू कई बार नहीं होंगे है तुम वापस करो जिवें मर्जी करो, लिखा होया भी टॉयलेट के 5 रुपए हाँ हाँ बा उत्थे बाथरूम के भी रहे 5 रुपए, बाथरूम के 5 रुपए कौन लेंदा, किथे 5 रुपए लिखे ही नहीं, लिख के रखो इतने पर क्योंकि अगला 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 पढ़ता हूँ, जो अभी पढ़े लिखे अभी पढ़ा भी देखा भी हाँ भाई लिखा हुआ बंदे ने किसी को नहीं होंगे, कई कोई नहीं देना चाहता 5 रुपए लोग बोलते तो 10 दिन पहला एक हैगा बा उदय प्राइम उदय वाला मुंडा है ना, वो मोटा है थोड़ा वधिया बंदा वा, उन्हें पहला इदा ही फड़े सारे जने, ये सारे इदा इन्हों का कम है, इन्होंने मतलब जा मैं कदे कदे आना पर जो आप पूछी दिया, मैं पूछा मैं भी कितने लिखा तेरा वाशरूम के 5 रुपए, अगर टॉयलेट वगैरह जाता बंदा चलो देने बनते हैं क्योंकि साफ सफाई होंगी, चलो कई होंगी सैलरी सुलरी देनी अगे ने, पर जे आप वाशरूम जाने वो कितने लिखा दसोगे ना, फिर आप देवे जो लिखा फिर ही देवे ना, जो लिखा ही नहीं फिर कमें दई असं, वो कहना भाई लगते हैं हूँ मैं फसया सी, मैं चल कोई नहीं लै रहा लड़ना थोड़ी 5 रुपए पिछले मिट्टी सरकार तो हम कितने आके देखे, सरकार हम बाथरूम थोड़ी देख सकती है भी हाँ इतने बंदा बैठा नहीं बैठा, ये जो तो उपरले अफसर वगैरह है उन्होंने चाहिए ना माड़ा मोटा चेक करना आके आह गेट के बाहर ही चले जाओ, आ कि दुकाना पान पून बेचने वाली बाहर दूरी फिर आ रास्ते बच्चे एक बूट पार्स करने रास्ता इन्ना मैं अद्धा वो रुकी बैठा है ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਦੱਸ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸਤੇ ਥੋੜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਦੱਸ ਪਹਿਲੇ ਇੱਦਾਂ ਧਮਕੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਧੋਂਦੇ ਹੈਗੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਪੋਟੀ ਪਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੌਣ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗੀ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਬੀਬੀ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਨੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਵਿਸਪਰ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਵਿਸਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਵਰਕੇ ਤੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਡੰਗ ਵੀ ਸਾਰ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਬਸ ਵਿਸਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੋ 10 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾੜੇ ਆ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਹੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਹਾ 10 ਰੁਪਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ 10 ਰੁਪਏ ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਮਤਲਬ ਪੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਗੋ ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੇ ਅਗਲਾ ਦਿੰਦਾ ਲਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਓ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਂਟੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਬਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਐਵੇਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਟਾ ਦੇ ਆਟਾ ਚਾਰਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੁਣ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਫਰਨਾਇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਰਨਾਇਲ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਗਈ ਆ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਏ? ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਟੋਇਲਟ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੋਇਲਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਈ ਹੈ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਲੇਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ 3-3 ਮਿੰਟ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਟੋਇਲਟ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਰਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਆ, ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ ਉਰੇ। 1 ਨੰਬਰ ਅੱਡਾ, ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਰੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਰੇ ਅੱਡਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ 1 ਚੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਚਲੋ 1 ਅੱਧੇ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ 1 ਅੱਧੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ 1-2 ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੋਈ ਜਾਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚੁੱਪ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਜਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਚੁੱਪ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ। ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੈਮਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਂਭਾ 1-2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲਾਂਭਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਲੈਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਦਾ ਪੋਲ ਨਿਊਜ਼, ਮੈਂ ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ।